हेलो एंड वेलकम टू कैमल्स किचन। आज हम बनाएंगे रोज़ ड्राई फ्रूट दही मट्ठा। दोस्तों, ये एक ऐसा डेजर्ट है जो घर में बहुत ही आसानी से बनता है। इसको आप मिक्स एंड मैच करके भी बना सकते हो अलग अलग फ्लेवर्स में, फ्रूट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो चलिए किचन में और देखिए इसे कैसे बनाया जाता है। रोज़ ड्राई फ्रूट दही मट्ठा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप दही लिया है। दही को मैंने फैट के ले लिया है। इस दही में अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 पिंच सॉल्ट का। सॉल्ट डालने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 ड्रॉप्स फूड कलर, रेड फूड कलर इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि हम रोज़ मट्ठा बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 ड्रॉप रोज़ एसेंस। आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दोस्तों, अगर आपको रोज़ मट्ठा नहीं बनाना है तो इसके अलावा आप कोई भी मिक्स एंड मैच करके दही मट्ठा बना सकते हो। जैसे अगर आपको पाइनएप्पल फ्लेवर का बनाना है तो आप पाइनएप्पल को काट के इसमें डाल दीजिए और पाइनएप्पल एसेंस इसमें मिला लीजिए। इसके अलावा आप ऑरेंज, एप्पल, कोई भी फ्रूट्स का या ड्राई फ्रूट्स का मट्ठा बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स का बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके मट्ठे में डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे और अब हम हैंड बीटर की सहायता से एक बार इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे तो जो चीनी है वो अच्छी तरह से दही के साथ मिल जाएगी। और इसको, जैसे मैंने कहा, आप अलग अलग फ्लेवर में भी बना सकते हो। अगर आप प्लेन बनाना चाहते हो तो प्लेन भी बना सकते हो, वेनिला फ्लेवर का भी बना सकते हो। तो ये अलग अलग फ्लेवर्स में और टेस्ट में आप बना सकते हो। मट्ठा हमने रेडी कर लिया है, इसको हम निकाल लेते हैं सर्विंग बोल में। 1 कप में आप 2 कप मट्ठा रेडी कर सकते हो। ये देखिए हमारा मट्ठा रेडी है। इसको हमने गार्निश कर लिया है रोज पेटल्स और ड्राई फ्रूट से। फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस मट्ठे को ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि दही मट्ठा कैसे बना है। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।